जैसा कि आपसे शेयर कर चुकी हूँ बहुत से बैक टू स्कूल स्नैक्स की रेसिपी, उसी तरह की एक और लाजवाब लेकर आई हूँ। छोटे बच्चों को बहुत पसंद है कि आपने फुल वॉच करनी है। एक तो ये यूनिक भी बहुत है, इसकी लुक भी देखें कितनी लाजवाब लग रही है, बिल्कुल पेस्ट्री टाइप लुक लग रही है। किस तरह से ये मज़ेदार हमारी डिश तैयार होगी आपने रेसिपी फुल वॉच करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स वेलकम टू सिमर्स किचन, मैं हूँ सिमर। एक बॉयल एग को फोके मज़े से मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। यहाँ पर है जी मेरे पास एक कप बंद गोभी है, एक कप जो है ना वो मेरे पास बॉयल किया हुआ चिकन है, और हाफ के करीब मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च है इस तरीके से चॉप की हुई, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। मिंट एक कोल्सलो टाइप जिस तरह से होता है ना, हम लोगों ने वो तैयार करना है। एंड देन हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है जी मेयोनीज़, और मेयोनीज़ जो है ना वो मैं ऑलमोस्ट इसके अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर जो है ना वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से वेल कम्बाइन कर लेंगे, अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लाजवाब तैयार होगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें, बस इजीली क्विकली जो है ना रेसिपी तैयार हो जाती है, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को घर पर। ये देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, वेल कम्बाइन कर लिया है। अच्छा जी, अब इसको हम लोग साइड पे रखते हैं और हम लोग अपनी नेक्स्ट चीज़ तैयार कर लेते हैं, जो कि है जी हम लोगों की पोटैटो फिलिंग। इसके लिए हमने पोटैटो को यहाँ पर जिस तरीके से जो है ना वो मैश कर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून और नमक 1/4 टीस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी कलर के लिए 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से वेल कम्बाइन कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया फॉक की मदद से वेल कम्बाइन। अब हमने असेंबलिंग शुरू करनी है। असेंबलिंग में सबसे पहले ब्रेड के पीस के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई कर देना है यहाँ पर टोमेटो केचप। आपके पास चिली गार्लिक सॉस या पिज़्ज़ा सॉस जो भी अवेलेबल हो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ऑन योर चॉइस, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर जो है ना वो लगा देनी है जी हम लोगों की जो अच्छी सी मज़ेदार सी पोटैटो फिलिंग हमने तैयार की हुई है ये। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ जो है ना वो ऑप्शनल है, वो है जी ग्रीन वाली चटनी, धनिया पुदीने वाली, मिर्चों वाली। तो आपकी मर्ज़ी, डालनी डालें नहीं तो ना सही, अगर तो बच्चे स्पाइस नहीं ज़्यादा पसंद करते तो ना डालें, अगर तो वो हमारी तरह ज़्यादा स्पाइस लवर्स हैं तो फिर आप लोग लगा लें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। ये ले जी, इस तरीके से मैंने पूरी ब्रेड के ऊपर ये लगा कर इस तरह से इसको लगा देना जी इसके ऊपर। अब हमने इसके जो है ना वो सेकेंड स्टेप तैयार करना है, वो ये है कि इसके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर देना है जी यहाँ पर केचप। एंड देन हमने जो है ना केचप को स्प्रेड करने के बाद वो कोल्सलो ऐड करना है जो हम लोगों ने तैयार किया था, ठीक है। पहले हम लोग अच्छे तरीके से इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं, एंड देन ये कोल्सलो जो हम लोगों का है ये इसके ऊपर जो है ना वो हम लोगों ने डाल देना है, और इसको जो है ना हम लोगों ने बस ऊपर से सिंपल से ब्रेड रख देनी है, ठीक है। देखा आप लोगों ने कि ये मेरी कितनी ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बन जाने वाली रेसिपी है। ट्रायल आदमी कीजिए घर पर, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। एक तो वो उसके लुक देखकर भी अट्रैक्ट होंगे, और इसके अंदर चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, सारा कुछ है, तो बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसे हेल्दी रेसिपी है। केचप लगा के ब्रेड के ऊपर इसको उस तरह से कवर कर देंगे। ये देखिए जी, अब मैं आप लोगों को जो है ना वो बताती हूँ कि आप लोगों ने करना है। इसकी जो साइड्स है ना, ये यहाँ पे ब्राउन वाली, ये हम लोगों ने सारी की सारी जो है ना वो नाइफ़ की मदद से कट करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चों को ये लंच बॉक्स में हमें रेसिपी लास्ट भी बना कर देनी है, क्योंकि आपको पता है अगर स्टार्ट हो चुका है उनके पास स्कूल भी जो है ना वो ओपन होने वाले हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हम लोगों ने इसको इस तरह से साइड्स के ऊपर से भी जो है ना वो हम लोगों ने कट कर लिया हुआ है। ये लें जी, अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो मेयोनीज़ लगानी है, ताकि इसके बिल्कुल लगे कि जिस तरह से हम लोगों ने पेस्ट्री तैयार की हुई है बिल्कुल इसकी वैसी लुक है, वैसी रिसेम्बलेंस है। इस तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो मेयोनीज़ इस तरह से अप्लाई करनी, जब मैंने बीच में इसको कट किया ना, ताकि ये बिल्कुल इसकी शेप ही पेस्ट्री टाइप की लगे, ठीक है। तो इतनी देर में मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना इस तरह से केचप अप्लाई कर देना है, और ये देखिए जी कितना इसकी लुक लग रही है, जैसे स्ट्रॉबेरी का जैम नहीं डाला था पेस्ट्री के ऊपर बिल्कुल इस तरह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्टी बन जाने वाली जो है ना वो यहाँ पर रेसिपीज यह जो है वो हमारे चिकन सैंडविच कह लें आप लोग, पेस्ट्री सैंडविच तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मुझे जाए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे फैमिली को दुआ में लाजमी याद रखें, रेसिपी ट्राई लाजमी करें घर में, कमेंट सेक्शन में प्यार भरा फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।